ये विशेष कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मेडिकल विंग के अंतर्गत भाई साहब के ही संकल्पों से ही कार्यान्वित हुआ है। तो हम बहुत बहुत तहे दिल से भाई साहब का इस सत्र में स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। इसके बाद मैं स्वागत करने के लिए ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स को रिक्वेस्ट करूंगी, वो पुष्प गुच्छों द्वारा और तिलक के द्वारा हमारे बीच में आमंत्रित सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। आप ज़ोरदार तालियों द्वारा स्वागत करेंगे। मैं मधुरवाणी ग्रुप से आमंत्रित करती हूँ, वो आकर के एक बहुत ही सुंदर गीत आपके स्वागत में प्रस्तुत करेंगे। मधुरवाणी ग्रुप, हम उनका प्रोत्साहन करेंगे ज़ोरदार तालियों द्वारा। शांति। स्वास्थ्य मिले कल्याण होए सोच के आए हैं, स्वास्थ्य मिले कल्याण हो ये सोच के आए हैं, नव भारत निर्माण हो संकल्प सजाए हैं, नव भारत निर्माण हो संकल्प सजाए हैं, शुभागमन से रोम रोम अपने हर्षाए हैं, शुभागमन से रोम रोम अपने हर्षाए हैं, स्वागत में मान सरोवर के कण कण मुस्काए हैं, स्वागत में मान सरोवर के कण कण मुस्काए हैं। ताली अच्छी तरह से बजा सकते हैं आप। देर नहीं दिन दूर नहीं जल्दी वो आएगा, मेरा भारत संपूर्ण स्वस्थ पाकर मुस्काएगा, देर नहीं दिन दूर नहीं जल्दी वो आएगा, मेरा भारत संपूर्ण स्वस्थ पाकर मुस्काएगा, हम ही नहीं भगवान स्वयं योजना बनाए हैं, हम ही नहीं भगवान स्वयं योजना बनाए हैं, शुभागमन से रोम रोम अपने हर्षाए हैं। आध्यात्मिकता के बिना हर लक्ष्य अधूरा है, राजयोग सहयोग से सपना होना पूरा है, आध्यात्मिकता के बिना हर लक्ष्य अधूरा है, राजयोग सहयोग से सपना होना पूरा है,
स्वच्छ स्वस्थ भारत बनाने कदम बढ़ाए हैं। स्वच्छ स्वस्थ भारत बनाने कदम बढ़ाए हैं। शुभागमन से रोम रोम अपने हर्षाए हैं। भारत क्या सारे जग का कल्याण अब होगा। आत्म परिवर्तन करे उत्थान तब होगा। भारत क्या सारे जग का कल्याण अब होगा। आत्म परिवर्तन करे उत्थान तब होगा। राजयोग आरोग्य करे नवजीवन पाए हैं। राजयोग आरोग्य करे नवजीवन पाए हैं। शुभागमन से रोम रोम अपने हर्षाए हैं। स्वास्थ्य मिले कल्याण हो ये सोच के आए हैं। नव भारत निर्माण हो संकल्प सजाए हैं। शुभागमन से रोम रोम अपने हर्षाए हैं। स्वागत में मानसरोवर के कण कण मुस्काए 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 हैं। थैंक यू। ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर प्रताप मीढ़ा जी, डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी और हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट नाम नहीं बता सकते, डॉक्टर मिश्रा जी और हमारे सीनियर ओडिशा के डॉक्टर्स बहने भाई, आपको प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोटि कोटि अभिनंदन है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कहते हैं कि आप आए बाहर आई, सचमुच वही बात है। आप लोग आए बारिश लेकर के आए। पहला बारिश से स्टार्ट है आपके आने का, तो आपको इसके लिए भी कोटि कोटि अभिनंदन कि राजस्थान बारिश के लिए इंतज़ार में था और वो इंतज़ार आप लोग उड़ीसा से लेकर के आए हैं, तो आप लोगों को बहुत दिल से बधाई हो। आप सब सीनियर डॉक्टर्स, आपको मेडिकल के बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप लोग अपने फील्ड में माहिर हैं, पहुँचे हुए हैं, स्पेशलाइज्ड हैं। हम वो चीज़ यहाँ आपके सामने साझा करेंगे जो परमात्मा ने हमको बताया है, बाबा ने, शिव बाबा ने, भगवान ने जो बताया है। भगवान के बारे में बहुत सारे मत मतांतर है। कोई राम को भगवान मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई गणेश को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई किसी को मानता है और वो समझता कि यही श्रेष्ठ हैं। उसकी मान्यता को हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाएंगे कि आप यहाँ से जब जाएंगे तो परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं बल्कि उनसे संबंध जोड़ के जाएंगे। छोटी मुंह बड़ी बात कह दिया, संबंध भगवान से जोड़ना बड़ा एक कठिन बात लगता है, असंभव लगता है। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, शंकराचार्य, उन्होंने संबंध भगवान से नहीं जोड़ा, खोज में ही चले गए। अभी तक हमारे बड़े खोज में ही हैं और आप रात को आए हैं और आज हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि नहीं, भगवान से आपका संबंध जुटेगा। आप कौन हैं? आप तो डॉक्टर हैं, लेकिन नहीं, आप कौन हैं
उसकी भी जानकारी मिलेगी, जानकारी नहीं बल्कि उसकी अनुभूति भी कराई जाएगी कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर के प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, हमारा नाम रखा जाएगा तो फलाना डॉक्टर, लेकिन हूँ कौन, मेरा नाम फलाना डॉक्टर, मैं हूँ कौन, इसकी भी जानकारी दी जाएगी, अनुभूति कराई जाएगी, लेक्चर नहीं हो, जो कुछ भी बताया जाएगा उसकी अनुभूति कराई जाएगी। बड़े बड़े हमारे आचार्य धर्माचार्य, उन्होंने तपस्या किया, अभी तक वो खोज में ही हैं, परमात्मा कहाँ हैं, कब मिलेंगे, कैसे हैं, मैं कौन हूँ, खोज पूरा कर लिए तो अभी क्या कहते हैं, आत्मा सु परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, बड़ा कन्फ्यूजन सी बात है। लेकिन आप कहाँ आए हैं, परमात्मा के घर आए हैं, भगवान के दर आए हैं, तो परिचय अभी एक एक का हम अनुमान लगाएंगे कि उड़ीसा के फलाने हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं, नाम कुछ भी हम अपने मन में संजो लें, वो राइट नहीं होगा, लेकिन एक सेकंड में आप उठ करके अपना परिचय देंगे तो राइट हुआ है कि नहीं। सर सामने साथ बैठे हैं, मैं नहीं जानता था, पूछा, अनुमान लगाया, लेकिन सर ने एक सेकंड में जवाब दिया, मेरा नाम ये है, सो एंड सो है, एक सेकंड में परिचय हो गया ना। तो उसी तरह परमात्मा आकर के अपना परिचय दिया है, बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, आप आत्मा हो, आत्माओं का पिता परमात्मा, हम शरीर के फादर, हम सबको अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा का पिता परमात्मा एक है, हम सब एक पिता के संतान हैं। हम गाते भी हैं कि हिंदू चीनी भाई भाई, लेकिन गाते तक हैं, अंदर उसको ये नहीं किए हैं, आपस में क्या है, कितनी दुश्मनी है, बॉर्डर पर कितनी खर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए तैनात रहते हैं, भाईचारा कहाँ गया, नहीं है, कहते कुछ और करते कुछ और है। तो यहाँ आकर के आप लोगों को उस सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। दूसरा, उनसे मेडिटेशन जो सिखाया जाएगा, वो मेडिटेशन इतना यूनिक है कि आपके जीवन में बहुत काम आएगा। दवाइयों से तो लोगों को शफा देते हैं, बीमारी को दूर करते हैं, लेकिन मेडिटेशन से दवा दुआ, कई जगह दवा फेल हो जाती है, दुआ काम करती है। तो आप लोगों को वो दुआ की टेक्निक बताई जाएगी कि दवा के साथ पेशेंट को दुआ भी दें, ताकि आपके क्लिनिक से हॉस्पिटल से कोई खाली नहीं जाए, कोई निराश होकर के नहीं जाए, आपके पास आया मैंने 101% ठीक होकर के ही जाना है। क्यों? क्योंकि एक आप सीनियर अनुभवी डॉक्टर भी हैं, दूसरा एक हीलर भी हो गए, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान हो गया, मेडिटेशन करते हैं। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, हमारे मेडिकल विंग में 4,500 डॉक्टर हैं, हमारे सामने आपके न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सपन गुप्ता, प्रोफेसर हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से आपको बुलाया है, रिक्वेस्ट किया है, डॉक्टर प्रताप मीणा हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं, ऐसे सीनियर हमारे ये हैं, सब ने रिसर्च करके देखा है मेडिटेशन में, वो यूनिक है कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, किसी का 100% 99% 85% ब्लॉक हो जाता है। दूसरा, नई बातें क्या होती है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो एंजियोप्लास्टिक भी नहीं होगा, बाईपास सर्जरी बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे पेशेंट को बुला करके डाइट एक्सरसाइज मेडिटेशन सिखाते हैं और उसको घर भेजते हैं, वही प्लांट डाइट, प्योर वेजिटेरियन डाइट,
वो घर में लेता है, मेडिटेशन करता है, 6 महीना में उसकी आर्टरी क्लीन हो जाती है। हम नहीं कहते हैं कि तुम जाके एंजियोग्राफी कराओ। वो पेशेंट रोज एक्सरसाइज वॉक, एक्सरसाइज में जिम नहीं हम खोले हैं, मॉर्निंग वॉक सिंपल कराते हैं, तो वो सिंपल वॉक सीख करके गया है, तो घर में रोज 4-5 किलोमीटर वॉक करके आता है। घर वाले नाराज होते हैं, झगड़ा करते हैं कि भाई तुम्हारी 4 आर्टरी ब्लॉक है, मेरे सामने डॉक्टर ने कहा है, पेपर में भी लिखा है, और तुम सुबह सुबह 4-6 किलोमीटर घूम के आते हो, हार्ट अटैक हो जाएगा साइड पर रोड पर, तो कौन तुम्हारे को संभालेगा, नहीं जाना है। बच्चा भी बोलता है, वाइफ भी बोलती है, रिश्तेदार भी बोलते हैं, और बेचारा वो असमंजस में पड़ जाता है। अब रोज रोज झगड़ा कौन करे। 6 महीने के बाद जा करके फिर से कैथ लैब में सेम डॉक्टर से, सेम कैथ लैब में वो एंजियोग्राफी कराता है। डॉक्टर एंजियोग्राफी करके हैरान हो जाता है, भाई ये आपके चारों आर्टरी क्लीन है, क्या किया आपने, कौन सी दवाई खाई। बोला कि दवाई हम कुछ खाए नहीं है, ब्रह्मकुमारी में गए हैं और उन्होंने मेडिटेशन सिखाया है और प्योर वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, खुश रहते हैं, आर्टरी क्लीन हो गया। घर वालों को आकर के दिखाता है, भाई देख लो हम ऐसे ही 6 किलोमीटर नहीं घूमते हैं, प्रूफ। तो एक के ऊपर रिसर्च नहीं हुआ है, 100 के ऊपर नहीं हुआ, 1000 के नहीं, 15,000 लोगों का क्लीन किया हुआ है। आप इतनी यूनिक चीज़ यहाँ से सीख के जाएंगे। आज इतनी दवाइयाँ महंगी है, इतना बीमारी फैल रहा है, गरीब बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते। फर्स्ट टाइम आते हैं, वाइफ के जेवर बेच करके आते हैं, गिरवी रख करके आते हैं, और दोबारा उनके पास क्या अभी करें, कुछ साधन नहीं होता है, ज़मीन जो होता है बेच कर आते हैं, फिर भी उनको ये नहीं होता। ऐसे गरीब को आप ऐसी सलाह देंगे, ऐसी रास्ता बताएंगे कि उसका बिना खर्चे उसका रोग से वो मुक्त हो जाएगा और जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। और 10 लोगों को बोलेगा कि अरे भाई तुमको हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो बड़ा साहब के पास जाओ। वो दवाई ही नहीं देते हैं, वो एक हीलर हैं, एक बहुत बड़े सेंट हैं। तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिकल अनुभूति कराने का प्रयास किया जाएगा। हमारे संस्था में आज व्यसन के ऊपर इतने सारी दुनिया चिंता में है, क्या होगा भारत का, छोटे छोटे बच्चे रोज के 5,500 बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, नए नए बच्चे व्यसन सीख रहे हैं, व्यसन लेने के लिए ये उत्सुक हैं रोज के। अभी सोचिए रोज 5,500 बच्चे, नए बच्चे व्यसन में जाएंगे तो भारत का क्या हाल होगा। बहुत सारी एनजीओ इस पर काम करती है, सरकार भी काम कर रही है, लेकिन सफलता कितना मिलता है, 10%, 20%, 30%। ब्रह्मा कुमारी में 97% रिजल्ट मिलता है। ये मेडिटेशन इतने दूर दराज से आप लोगों को, ऐसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने नहीं भेजा है, बहुत कुछ सोच करके अनुभव करके आप लोगों को भेजा है। आने में कष्ट हुई है, हमने तो छोटी गाड़ियाँ जानबूझ करके भेजा कि भाई आराम से आ रहे आएंगे, लेकिन सुना कि नहीं छोटी गाड़ियाँ कंफर्टेबल नहीं रही, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि भाई आप लोगों को कष्ट हुई है, हम बड़ी गाड़ी जाने टाइम भेजेंगे, तो इसलिए उसको माइंड ना करें। दूसरी कि यहाँ और भी शिविर चल रहा है, भट्टियाँ चल रही है, लेकिन वो पक्का बीके हैं, आपके तरह गेस्ट नहीं हैं, वो बीके हैं, उनको स्पेशल क्लासेज, स्पेशल मेडिटेशन के लिए वो लोग आए हैं अपने अपने घरों से कि यहाँ एकांत शांत में हम अच्छी तरह तपस्या करें।
तो वो लोग भोजन करके वो अपना थाली बर्तन धुलाई करते हैं, तो देखा था कि शायद आप लोगों ने भी किया होगा, लेकिन हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे कि नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, आप लोगों को ये काम नहीं करना है, उसके लिए हम व्यवस्था किए हैं, तो जो हो गया वो हो गया, आगे के लिए आप लोगों को अपना कोई भी डिश धुलाई नहीं करना है, ये आपका घर है, जो चाहिए खाने में, कोई अगर कोई तकलीफ़ है, कमी है, मन पसंद नहीं है, तो हमारे स्टाफ को या यहाँ जो साथ में आपके काम कर रहे हैं उनको भी आप इशारा देंगे कि थोड़ा भोजन में चेंज किया जाए, थोड़ा मिर्ची कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए या एक्स्ट्रा आपके टेबल पर रखवा दिया जाए, तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग कंफर्टेबल रहें, अपने घर में आए हैं, परमात्मा का घर सो आपका घर, हमारा घर, परमात्मा के ऊपर तो सबका अधिकार है ना, या खाली मेरा अधिकार है, मेरे से ज़्यादा आपका अधिकार है, क्योंकि आप मेहमान हैं, आप परमात्मा के नए बच्चे हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे प्यार किसको मिलता है, छोटे बच्चे को मिलता है ना, तो आप लोग छोटे बच्चे हैं, सबका प्यार, परमात्मा का प्यार, हमारे ऊपर जितना ध्यान नहीं रहेगा उतना बाबा का ध्यान, भगवान का ध्यान आप लोगों के ऊपर है, तो मैं समझता हूँ कि कोई कष्ट ना हो, कोई ये ना हो, लेकिन हम एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप लोग इतने दूर दराज से आए हैं, अपनी सर्विस इतने पेशेंट छोड़ करके आए हैं, पेशेंट दिन गिनती करता है कि साहब फलाने डेट को आएंगे, आज ये तारीख हो गया, आज वो तारीख हो गया, फलाने तारीख को सर आएंगे, इतना सब को छोड़ कर आए हैं, तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो सेशन हो दिल से अटेंड करें, उसको अंदर उतारें, क्योंकि ये स्पिरिचुअल सेशन आपको और जगह नहीं मिलेगा, इससे अच्छे अच्छे रिसोर्ट में आपका कॉन्फ्रेंस होगा, अच्छे अच्छे विदेशों में जाएंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ ही मिलेगा, और जगह नहीं मिलेगा, क्यों हम इतना फख्र से कहते हैं, हम कॉन्फ्रेंस करते हैं माइंड बॉडी मेडिसिन, किसको अलाउ करते हैं, MBBS के अलाउ नहीं करते हैं, MD MS से ऊपर को अलाउ करते हैं, इतने सीनियर डॉक्टर आते हैं, और वो आप लोग कॉन्फ्रेंस में गए होंगे, लेक्चर देने के लिए गए होंगे, अटेंड करने के लिए गए होंगे, लेकिन आपका सेशन सुबह 7-8-9 बजे शुरू होता है, यहाँ आपका सेशन, यहाँ हमारे कॉन्फ्रेंस का सेशन कितने बजे शुरू होता है, 4 बजे शुरू होता है, अब आप सोचिए कि हम डायरेक्टर को बुलाए हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, प्रोफेसर को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बुलाए हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बुलाए हैं, डीन को बुलाए हैं, तो उनकी एज कितना होगा, 50 से तो ऊपर ही होगा, ऐसे सीनियर लोग सुबह भाग भाग करके आते हैं, और जब मेडिटेशन कमेंट्री दे करके कराई जाती है, जब उनको अनुभूति होती है, तो वो कहते हैं कि बनारसी भाई इतना अच्छा अनुभूति एक्सपीरियंस, मैं जिनेवा में कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया, लंदन में करके आया, लेकिन हमको इतनी खुशी नहीं हुई जो यहाँ आ करके, कौन खुशी का सागर, कौन है प्रेम का सागर, कौन है, परमात्मा है, और वो हम मॉर्निंग में हम उनको याद करते हैं तो हमको उनसे प्राप्ति होती है, तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि नहीं सब सेशन अटेंड करें ही करें, लेकिन मॉर्निंग सेशन जरूर अटेंड करें, क्योंकि परमात्मा के डायरेक्ट आपके ऊपर, सबके ऊपर, और ये कहाँ देखिए, नदी का किनारा, और कोई शहर से कोई ये नहीं है, आज हम अपने शांतिवन में रखते हैं तो वहाँ बहुत सारे आना जाना ये है, यहाँ कुछ नहीं है, कैंपस में आ गए तो एकदम पीस, सन्नाटा, कुछ नहीं है, कहीं कोई ये नहीं है, लेकिन क्लीन है, आप आराम से कहाँ पेड़ के नीचे
बारिश है, अभी तो पेड़ के नीचे नहीं बैठेंगे, लेकिन कहाँ भी कॉरिडोर में कहाँ भी बैठ करके साइलेंस की अनुभूति करें, आपको बहुत अच्छी साइलेंस की अनुभूति होगी। तो हम चाहेंगे कि छोटा ग्रुप है तो और स्पेशल अटेंशन हम लोग देंगे और अच्छा ये करेंगे, लेकिन आप सबका भी सहयोग हो। इतना अपने आप में चेंज लाएं, इतना अपने आप में आप सब परिवर्तन लाएं कि आप अपने हॉस्पिटल में जाएं तो आप तो डॉक्टर हैं, आपके पेशेंट पहचानते हैं, लेकिन उनको अनुभूति हो कि हमारे सर, हमारे डॉक्टर ये तो एंजिल भी लगते हैं, एंजिल दिखाई देते हैं इनके चेहरे से, इनके बोल से, इनके व्यवहार से। कॉमन डॉक्टर की तरह हम ना जाएं, यहाँ से हम जाएं तो एक एंजिल बन करके जाएं, एक फरिश्ता बन करके जाएं, क्योंकि आने वाले समय में डॉक्टर्स का रोल एंजिल का भी रोल होगा, क्योंकि दुआएं होगी, दवाइयाँ तो ऐसे समय आएगा कि वो काम नहीं करेगा और मिलेगा भी नहीं, ऐसी परिस्थितियाँ आ रही है। कोविड में हम सब ने अनुभव किया कि मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन जितना हमको सफलता चाहिए उतना सफलता नहीं मिल पाई। तो ये तो एक रिहर्सल हुआ, परमात्मा का कहना है कि इससे बड़ी बड़ी आपदाएं आने वाली है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन के तरफ जा रहा है ना, तो परिवर्तन कैसे होगा, ऐसे ही होगा ना। तो इसलिए हम अधिक समय नहीं लेंगे, ये जरूर रिक्वेस्ट आपको करेंगे कि आप अपने घर में आए हो, बहुत आराम से रहिए, दिन गिनती नहीं करें कि हमको अभी फलाने डेट को जाना है, कब दिन पूरा हो, ऐसा नहीं होने चाहिए। कोई भी तकलीफ हो, आप हमारे जो सेवाधारी हैं, जो आपके सेवा के लिए निमित्त हैं, उनसे संपर्क करें, मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी हर प्रयास रहेगा कि आपको अपना घर की फीलिंग दें, भगवान के घर में आए हैं, ऐसा नहीं कि आश्रम में आए हैं, चलो जो है जैसा है, नहीं, आश्रम जरूर है लेकिन आपका घर भी है, अपने घर में रह करके आराम से, कोई तकलीफ ना हो। आपको तकलीफ होगी तो मुझे चैन नहीं होगी। हमारे बहनें, हमारे सीनियर डॉक्टर्स, यहाँ तकलीफ होगी तो आराम कहाँ मिलेगा, इसलिए आप अपने घर में आए हैं, बहुत आराम से रहिए। कोई भी बात हो तो आपके साथ गाइड आए हैं, उनको भी इशारा दे सकते हैं, हमारे लोगों को भी इशारा दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, आप सबका पुनः पुनः स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। मैं समझती हूँ कि भाई साहब के वचनों को सुनने के बाद आपको ये फीलिंग तो आ ही गई होगी कि आप अपने घर में आए हैं। जैसे घर के वो जो बड़े होते हैं, है ना, वो जैसे बात करते हैं, उनका जो हमारे प्रति भावनाएं होती हैं, उसी से ही हमको ऐसी भासना आती है कि जैसे हम अपने घर में ही हैं। तो भाई साहब के जो आशीर्वचन हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणादायी रहते हैं, और आपको भी आगे दो तीन दिनों में जो भी अनुभव होंगे आप भी ऐसा ही अनुभव लेकर के जाएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर प्रताप मिड्डा भाई साहब जी को कि वो इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर प्रताप मिड्डा वाइस प्रेसिडेंट हैं मेडिकल विंग REERF राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, सिस्टर कंसर्न ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के। डॉक्टर प्रताप मिड्डा मेडिकल डायरेक्टर एंड ट्रस्टी भी हैं जे वाटुमल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू के। आप जब साइट सीइंग के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संचालित माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल है, वहाँ के आप मेडिकल डायरेक्टर एंड ट्रस्टी हैं, और मैनी अदर हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जहाँ के भी आप ट्रस्टी हैं। उनका रोल एक फैसिलिटेटर की तरह से हमेशा से रहा है, वे अपने इनपुट्स देते हैं और एक कैटलिस्ट की तरह सारे प्रोजेक्ट्स का संचालन का मार्गदर्शन ये करते हैं।
डॉक्टर प्रताप मेड्डा एक लिविंग एग्जाम्पल हैं कि डिटर्मिनेशन और पैशन के साथ हम मानव सभ्यता के लिए, मानवता के लिए बहुत ही नेक कार्य कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करूंगी डॉक्टर प्रताप मेड्डा जी का और उनसे अनुरोध करूंगी कि इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर प्रताप मेड्डा जी। ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसे इस प्रोग्राम का नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, डॉक्टर्स का रोल भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है। भगवान को भी हम कहते हैं ना कि वो दुख हरता सुख करता है, और डॉक्टर्स भी दुख निवारण करते हैं लोगों के, तो इसलिए भगवान के साथ हमें इक्वेट करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हेल्थ सिर्फ डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है, क्योंकि हेल्थ के लिए क्लीन वाटर सप्लाई भी चाहिए, प्रॉपर हाउसिंग भी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सब्सटेंस अब्यूज से भी बचना चाहिए, और अपने भोजन पर भी ध्यान दें, अपनी एक्सरसाइज पर भी ध्यान दें। तो इसलिए जो हेल्थ है उसका कंपोनेंट क्या है, अभी देखिए, डॉक्टर अगर पेशेंट को चार बातें कहेगा तो वो तीन ही फॉलो करेंगे, हो सकता है तीन भी पूरी फॉलो नहीं करें। कंप्लायंस तो आपको पता है कितनी होती है। डायबिटिक पेशेंट्स होंगे या हाइपरटेंसिव होंगे, उनको आप डाइट एडवाइस करेंगे, लेकिन टेम्पटेशन तो सबको होती है। तो भाव ये कि हेल्थ केवल एक फिजिकल हेल्थ नहीं है, इसका जो दायरा है बहुत आगे बढ़ जाता है, जिसमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य आता है, जिसमें हमारा सामाजिक स्वास्थ्य आता है, जिसमें हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य आता है। तो WHO ने भी जो डेफिनेशन हेल्थ की बताई, उन्होंने कहा, हेल्थ इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ इन्फर्मिटी और डिजीज़, इट इज़ कम्प्लीट वेलबींग फिजिकली सोशली मेंटली। तो कम्प्लीट वेलबींग इज़ रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आप बताइए, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे लोगों को दें? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। केवल स्वस्थ रहना नहीं है, लेकिन स्वस्थ रहकर हमें जो समाज में हमारा जो रोल है वो भी फुलफिल करना है, परिवार के भी संभाल करनी है, सोशली भी रिस्पॉन्सिव होना है, और साथ साथ जो हम चाहते हैं एक वैल्यू बेस्ड समाज बने, उसके लिए हमें स्पिरिचुअलिटी चाहिए। अब देखिए, जीवन को अर्थ क्या देता है, जीवन में फुलफिलमेंट किस चीज़ से होती है? मटेरियलिज्म से नहीं होती है, एजुकेशन से भी फुलफिलमेंट नहीं होती, लेकिन फुलफिलमेंट होती है स्पिरिचुअलिटी से। फुलफिलमेंट होती है कि हम इस बात को समझें कि जीवन का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम सब एक परिवार की तरह रहें, कंपैशनेट लिविंग हो, सबके प्रति हम रिस्पॉन्सिव हों, सबके प्रति हमारा स्नेह हो, एक फीलिंग हो सेंस ऑफ बिलोंगिंग की। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग कैसे आएगी? हम सब यूँ कहेंगे, डॉक्टर्स का रोल तो बहुत उत्तम है कि हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, छोटा आता है, बड़ा आता है, आर्थिक आता है या नहीं, जिसके पास वो नहीं होता तो उसके लिए भी हम संभाल करते हैं, परंतु हम अपनी भी संभाल करें, अपनी भी केयर करें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी एक स्टडी पब्लिश हुई थी, बहुत साल पहले की बात है, जनरल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया में उन्होंने एक टाइटल दिया था, डॉक्टर्स आर एलिंग लॉट, कि हमारा अपना लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है, वो हमारे में भी ज़्यादा है। तो हम वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर आवर ओन सेल्फ। तो सेल्फ केयर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ केयर कहाँ से शुरू होती है? देखिए, अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य हों और मन हमारा संतुलित नहीं हो, मन में कुछ ना कुछ एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, प्रेशर हो, तो क्या होगा? हम फिज़िकल परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अभी जो हम पहले अब तक नेगेटिव चीज़ें पढ़ते थे कि स्ट्रेस से क्या होता है या एंगर से क्या होता है, अभी लोग इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं,
कि अगर व्यक्ति काइंड है, अगर एक व्यक्ति केयरिंग है, एक व्यक्ति दूसरों की संभाल करता है, तो उसका अपना इम्यून सिस्टम भी बेटर होता है। तो इसलिए ये जो वैल्यूज़ हैं, चाहे वो हैप्पीनेस है, चाहे वो कंपैशन है, चाहे वो एक्सेप्टेंस है, टॉलरेंस है, कोऑपरेशन है, ये पीसफुल रहना है, ये सभी वैल्यूज़ भी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। तो ये साइंटिफिक जो स्टडीज़ हुई हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जो बनारसी भाई जी बात कर रहे थे माइंड बॉडी मेडिसिन की, तो माइंड बॉडी मेडिसिन जो है ना, वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट बन गया आज। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनके पीछे कारण क्या है। उनके पीछे कारण मेनली तो हमारा लाइफस्टाइल है, द वे वी लिव आवर लाइव्स, वही एक बड़ा कारण बन गया हमारे बीमार होने का। तो डॉक्टर्स का रोल भी जो है 360 डिग्री होता जा रहा है, कि उनको केवल पेशेंट को यही नहीं है, एक दवा की बात नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल की भी बात है। अभी मैं एक डॉक्टर से मिला था, दिल्ली के डॉक्टर थे और वो विदेश में सेटल्ड थे, तो उन्होंने बताया कि वो अभी पार्किंसंस के पेशेंट्स की रिट्रीट करके आ रहे हैं, उनको योगा और मेडिटेशन सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले दिन हम उनको डिजीज़ के बारे में बताते हैं, फिर बाद में उनको लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, योगा के बारे में बताते हैं, मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। तो जो भी हमारे पास जितनी भी सिकनेसेस आज आ रही हैं, भले हम अभी भारत में वी आर स्टिल डेवलपिंग, मेल न्यूट्रिशन भी है, इन्फेक्शियस डिजीज भी है, लेकिन जो अभी जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ बढ़ रहा है, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस हैं, डिमेंशिया है, डिप्रेशन है, और साथ साथ मोबिलिटी डिसऑर्डर्स हैं, कई चीज़ें हैं। अब आप देखिए हार्ट डिजीज़ अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है, यहाँ मैं देखता हूँ, हम लोग सुनते रहते हैं, यंग पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड। पहले हम जब पढ़ते थे तो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि 40 इयर्स की एज में या 35 इयर्स की एज में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। उसका कारण ये है कि हमने लाइफ को समझा नहीं है, हम थोड़ा अपने आप को जैसे बहुत कैजुअल हो गए, चलता है एटीट्यूड है, लेकिन हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि हमारा आहार क्या हो। बात हो रही है प्लांट बेस्ड डाइट की, डॉक्टर बनारसी भाई ने बताया कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिग्रेशन प्रोग्राम जो है उसमें प्लांट बेस्ड डाइट देते हैं। तो अब आप देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में हम जब कभी व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो कौन सा आहार लेते हैं? सात्विक आहार लेते हैं, शुद्ध आहार लेते हैं भगवान की याद में, और वही सही मानों में ठीक है। अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस अवेयरनेस इज हैपनिंग, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स का रोल समाज में एक और तरीके से अभी आ रहा है। देखिए लोग लंबी आयु जी रहे हैं, पहले लोग जल्दी चले जाते थे, अभी लोगों की आयु बढ़ रही है, तो हमें उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी एम्फेसाइज करना है कि उनका जीवन केवल लंबा नहीं हो लेकिन बेहतर भी हो। तो आज जो हम अपने जीवन में इन्वेस्ट करेंगे वो 10 साल के बाद नज़र आता है, चाहे वो रेगुलर एक्सरसाइज है, चाहे अपने मन की संभाल है, नींद अच्छी हो। अभी आप पूछेंगे, बहुत से लोगों को नींद ही ठीक से नहीं आती, सिंपल सी बात है। तो कहने का भाव ये, जो चीज़ें नेचुरल थी आज वो नेचुरल नहीं रही हैं, आज अननेचुरल हो गई, ठीक से नींद आना भी बहुत रेयरली हो गया। तो हमें ये सोचना है कि हमें लोगों को कहाँ एजुकेट करने की ज़रूरत है। केवल ये नहीं कि वो हमारे पास आए, उनको हमने सर दर्द की दवा दे दी, लेकिन हम ये भी सोचें व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द हेडेक। कभी कभी तो ये भी पूछना पड़ता है, हु इज़ द कॉज ऑफ हेडेक, आपके सर दर्द का कारण कोई और है क्या? तो इसलिए हम लोग, हमारा रोल जो है वो होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। यहाँ जो ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है, उसमें हम लोग न केवल फिज़िकल साधनों को यूज़ करते हैं लेकिन नॉन मेडिकल साधनों को भी यूज़ करते हैं। जैसे
हमारी डाइट है, हम सभी पेशेंट्स को सात्विक भोजन देते हैं। चाहे कैसा भी पेशेंट हो, उनको वही आहार मिलता है जो हॉस्पिटल से बनाया जाता है। उनको मेडिटेशन का म्यूज़िक भी देते हैं, आवरली म्यूज़िक भी चलता है। जो लोग रुचि लेते हैं उनको मेडिटेशन सिखाते भी हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। इवन जो ट्राइबल एरिया से लोग आते हैं उनको भी जब हमने पॉजिटिव थिंकिंग का उनका सबका कलेक्टिव कोर्स लेना शुरू किया तो उन्होंने भी रुचि दिखाई, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग तो हम सब समझते हैं। आप देखिए, हमारे लगभग 80-90% जो संकल्प हैं वो पास्ट के ही चलते हैं, तो इसलिए हम पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं कि जो होना चाहिए था क्यों नहीं हुआ उसके बारे में, या फिर कुछ भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो हम लोगों को ये सोचना है कि हम अपने पेशेंट्स के लिए क्या मैसेज दें। मैसेज एक क्लियर है कि जो आज ये बात है एम्पावरमेंट की, हमें पेशेंट्स को एम्पावर करने की ज़रूरत है कि उनको हम ये बताएं कि स्वस्थ जीवन कैसे जिया जा सकता है, कैसे अपने विचारों को संतुलित रखा जा सकता है, कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो 360 डिग्री हेल्थ है, होलिस्टिक हेल्थ है, उसके बारे में आपको मैसेज दें। पहले आप खुद एम्पावर होंगे तभी आप कम्युनिटी को एम्पावर कर सकते हैं। सरकार कितना काफ़ी प्रोग्राम्स चलाती है, कितना बजट होता है, लेकिन फिर भी देखें तो क्या होता है, आउटकम क्या होती है। आउटकम है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। अगर किसी को हम ये कहेंगे कि ये एजुकेशन जो हेल्थ एजुकेशन है इट शुड बिकम मैंडेटरी फ्रॉम द स्कूल्स आहार के बारे में। अभी वेस्ट में तो लोग अवेयर हो रहे हैं इस बात के कि स्कूल्स के कैफेटेरिया में भोजन क्या मिलता है, सॉल्ट कंटेंट कितना है, उसमें शुगर कंटेंट कितना है, क्योंकि ओबेसिटी तो बढ़ रही है, चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बढ़ रही है। तो हम सब मिलकर एक ऐसे स्वस्थ समाज का निर्माण करें जहाँ सभी को एम्पावर करें। हम खुद एम्पावर नहीं हो, लेकिन सभी को एम्पावर करें कि जो हमारी हेल्थ है वो हमारी अपनी एफर्ट है। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में तो हम तब जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स के पास हेल्दी पेशेंट तो नहीं आते ना। तो इसलिए हमारा मैसेज ये होना चाहिए कि हम स्वस्थ कैसे रहें। अभी स्पेशलाइजेशन भी बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो फोकस हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए प्रमोटिव हेल्थ पे। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये समझता है कि यदि हमारा मन स्वस्थ हो, मन संतुष्ट हो, मन प्रसन्न हो, और हमारा आहार शुद्ध हो, और हमारी नींद अच्छी हो, और हम एक्सरसाइज भी करें, वॉकिंग भी करें, तो शायद हमारी दवाइयों की इनटेक जो है वो 30% से भी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो माइंड बॉडी मेडिसिन और ये जो प्रोग्राम मेडिकल विंग की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इनका लक्ष्य यही है कि सबको एम्पावर किया जाए, सशक्त किया जाए। क्योंकि देखिए, जो आध्यात्मिकता है, हम सभी इस बात में विश्वास करते हैं कि जो हम अच्छे काम करते हैं, अच्छा सोचते हैं, लोगों का भला करते हैं, तो वो हमारे साथ आने वाले जन्मों में भी जाता है। तो इसलिए ये जो आध्यात्मिकता है या ये जो स्वस्थ जीवन जीने की प्रणाली है वो केवल इस जन्म के लिए, आने वाले अनेक जन्मों के लिए भी हमारी जो है वो लाइफ सुधर जाएगी। तो हम जब आत्मा को समझेंगे, जब आत्मिक संबंध परमात्मा से जोड़ेंगे और अपने अंदर जीवन में दिव्यता लाएंगे, तो मुझे लगता है ना केवल स्वास्थ्य लेकिन हमारे जीवन की क्वालिटी भी चली बढ़ जाएगी, हमारे पारिवारिक संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, हम समाज में भी अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी भी बढ़ेगी। उसके लिए हमें ये जो पूरा टोटल प्रोग्राम है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग, नहीं क्या कि मैं इसको कहूँगा सेल्फ मास्टरी का प्रोग्राम है। वी बिकम मास्टर्स ऑफ आवर ओन। तो सेल्फ मास्टरी बनना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे
जो हम चाहते हैं वही करें, नहीं तो मेजॉरिटी हमारी यही शिकायत रहती है, हम करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, चाहे वो क्रोध हो चाहे वो कोई बैड हैबिट्स हो, हम करना नहीं चाहते लेकिन हम फंस जाते हैं। तो इसलिए हम अपने मास्टर बने, अपने जीवन को नियंत्रित खुद करें, हमें क्या सोचना है, क्या करना है और क्या जीना है वो हम खुद डिसाइड करें, वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो। तो इसलिए एम्पावरमेंट का सही अर्थ यही है कि हम सेल्फ मास्टर बने। तो इसलिए इस प्रोग्राम में आप पधारें, और पहले तो मैं उड़ीसा सरकार को बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। मुझे लगता है ये फोर्थ ग्रुप है शायद, हमारे पास फोर्थ ग्रुप आपका आया है यहाँ पे, तो कितनी बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये इनिशिएटिव ना केवल हमारे प्रोफेशन को ट्रांसफॉर्म करेगा लेकिन हमारी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करेगा, हमारा सोचने का तरीका भी बदलेगा, हमारे संकल्प भी पॉजिटिव और पावरफुल होंगे, तो उससे आगे का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप समय निकाल कर आए हैं और इसका लाभ लेंगे, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रताप मिर्जा भाई साहब जी का। और ओडिशा सरकार के लिए भी उन्होंने बहुत वोट ऑफ थैंक्स दिया है। अभी तो सरकार भी फोकस कर रही है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को, आम आरोग्य मंदिर नाम से अब उसको रीनेम किया है। हाँ, तो उसमें देखिए अभी गवर्नमेंट के रोल गोल्स और हमारे गोल्स अलाइनमेंट में है, सब एक साथ अलाइंड हो रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो भाई साहब ने ऑब्जेक्टिव्स तो बताए हमारे प्रोग्राम के, अभी हम कैंडल लाइटिंग करेंगे। भारतवर्ष में दिया जलाने का अभी तक एक सुंदर प्रथा देखते आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? कोई भी जब शुभ कार्य करना होता है तो तिलक और दीप प्रज्वलन से किया जाता है। तिलक तो आप सभी को मिला है, ये इस बात का सूचक है। दिया जगाने का अर्थ होता है ईश्वर हमको ये स्मृति दिलाते हैं कि हर आत्मा को ये स्मृति आनी चाहिए कि आत्मिक ज्योति रूपी दिया है। आत्मा का लेसन आज हमने किया फर्स्ट सेशन में, तो अभी तो सबको क्लियर हो गया ना कि रोशनी कहाँ से मिलती है, आत्मा से। आत्मा का दिया जगाना है, और कैसे जगाएंगे? ईश्वरीय ज्ञान से। तो अभी हम स्थूल दिया जलाएंगे जो प्रतीक है इस बात का कि आत्मा का दिया जलाते हैं तो अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। ये सदा जगती ज्योत बनकर जगती रहे, इसकी रोशनी कभी भी बुझने ना पाए, लेकिन आत्मिक ज्योति रूपी दिया हम किस प्रकार से जगा सकते हैं ये पूरा प्रोग्राम इसको लीड करेगा। तो दिया जगाने का अर्थ है आत्मा रूपी दिया को, सोल कॉन्शियसनेस को, रियल कॉन्शियसनेस को हम जागृत करें ताकि हम हर क्षेत्र में बेटर परफॉर्म कर सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हम सभी जो डेलीगेट्स हैं स्टेज पर, बनारसी भाई साहब, डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी, डॉक्टर रविंद्र कुमार मिश्रा जी और डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी, सभी स्टेज पर आगे आएंगे और कैंडल लाइटिंग करेंगे। और आप सब अपने अपने मोबाइल का टॉर्च जला करके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के
दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर रविंद्र कुमार मिश्रा जी को। ये ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में प्रोफेसर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, एमसीएच हॉस्पिटल है, आई फॉरगॉट आपका हॉस्पिटल, बारीपदा में। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने कुछ दो वचन इस प्रोग्राम के उसमें कहें। ओम शांति, देन शुभ संध्या, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट सच ए इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड मेनी ऑफ आवर ओडिशा डॉक्टर्स हैव जॉइंड, परहैप्स 59 delegates have joined here, and I am thankful to Dr. Banarasi Bhai and Dr. Pratap Bhai and Dr. Swarup Bhai Sopan, sorry first time I am seeing him, but he did a very good job in the morning session. He had a very fantastic talk. I was very much impressed the way he is treating paraplegic patients and depressing patients. We had heard that there are such things do happen, but we never knew that such proofs are also there. So definitely our mind se ye sab jo ho raha hai, जो डिजीज हो रहा है हमारा डिप्रेशन से, ये सब जरूर अच्छा हो जाएगा इन फ्यूचर अगर हम ठीक से ट्राई करें। और आई एम वेरी हैप्पी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, एंड फ्रॉम द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ मेनी ऑफ राजस्थान पीपल गो देयर एवरी ईयर, from all over the country people go to Odisha for to see Lord Jagannath. So I am very happy our government tried our best to for such occasions, and thank you all. Thank you Dr. Ravindra Kumar Mishra ji. अभी प्रोग्राम के क्लोजर की तरफ बढ़ते हुए मैं डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने क्लोजर रिमार्क्स दें। ओम शांति। ये जो प्रोग्राम है, हम सभी ने साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत अटेंड की है,
मेडिकल साइंस फिज़िकल साइंस बहुत पढ़ा है, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल साइंस है ना, ये साइंस जब हम पढ़ते हैं, दिस इज़ द बेस्ट साइंस एनी वेयर इन द वर्ल्ड इन एनी स्पेशलिटी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं स्पिरिट कोर से डील करता है। कोर मतलब जैसे एक सीड होता है और सीड से फिर एक ट्री बन जाता है, ऐसे ही जैसी सोल की क्वालिटी होती है, आपको पता है जैसी सोल की क्वालिटी होती है वैसे ही हमारा बॉडी, ये फिज़िकल बॉडी, उसका एक ये फॉर्म होता है। अभी तक मेडिकल साइंस यहाँ तक नहीं पहुँचा है, ट्राई कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं अगर ट्री में कहीं प्रॉब्लम है तो फिर हम अगर रूट्स को, जो उसका सीड है, उसको अच्छा करेंगे तो ट्री की क्वालिटी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो यही हम सबका पर्पस है, गोइंग बैक टू द कोर, कोर तक जाना है। तो इसलिए आप सभी, जैसे आज सुबह आपने देखा सेल्फ का इंट्रोडक्शन, अच्छा लगा आप लोगों को? हम सिर्फ एक बॉडी नहीं, बॉडी के अंदर एक आत्मा है। तो ऐसे ही आगे, और आपसे ये प्रॉमिस किया गया है, क्या आत्मा से किसको मिलाना है? वेरी गुड, गॉड को, परमात्मा को मिलाना है। तो अगले 3-4 दिनों में आप ये फील करेंगे, अनुभव करेंगे, और ऐसे ही आप एंजॉय करिए, यहाँ की एम्बियंस को एंजॉय करिए। आप एक फील करते हैं शांति को यहाँ पर, आप फील करते हैं यहाँ की हर किसी की एक स्माइल को, आप फील करते हैं यहाँ की एक स्टेबिलिटी को, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो हम सब भी चाहते हैं वैसा बनना, और ये वाइब्रेशन हम कहाँ लेकर जाएंगे? अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है ना? तो अगले 3-4 दिनों में ये जर्नी आपके साथ हम करेंगे, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसकी 101% गारंटी है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का ये 4 दिन बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ बने। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी, आपके ग्रीटिंग्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग है। अभी मैं डॉक्टर बनारसी भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आसीन हमारे गेस्ट को सम्मानित करेंगे शॉल से। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध है। सबसे पहले डॉक्टर बनारसी भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी का। ओके, सभी डॉक्टर्स का या सबसे पहले डॉक्टर रविंद्र कुमार मिश्रा जी का को सम्मानित करेंगे डॉक्टर बनार। आप प्लीज़ तालियां बजाते रहें, ज़ोरदार तालियों के द्वारा आप भी करेंगे सम्मान। और एक एक करके आप लोग वन बाय वन आते जाइए, आपका भी सम्मान किया जाएगा। डॉक्टर बनारसी भाई साहब आपको भी सम्मानित करने वाले हैं शॉल के साथ, और साथ साथ आपको ईश्वरीय टोली भी मिलेगी। तो आप एक बार एक एक करके आते जाएंगे। तो पहले हमारे डॉक्टर्स भाई लोग आएंगे, आई होप आप लोग तालियां बजाते रहें। आप आते रहिए, एक एक करके सब आगे आते रहिए, और तालियां बजती रहें। आपका खुद का भी सम्मान है, आपके साथियों का भी सम्मान है।
तालियां बजती रहें, तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, आपका एक्यूप्रेशर हो रहा है ताली बजाने में अपना भी फायदा है। Thank you.
तो अभी इस सत्र के बाद सब लोग डिनर के लिए जाएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कल के दिन की शुरुआत। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो बात कर रहे हैं वो 2 मिनट साइलेंस मेंटेन करें, हम बस पूरा ही कर रहे हैं। कल के दिन की शुरुआत कितने बजे से करनी है? सभी आएंगे 4 बजे? बहुत सारे खजाने मिलने वाले हैं ना। वो जो हमने सुना था कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो 4 बजे का समय है जब भगवान स्वयं भाग्य बांटते हैं, तो ये समय हमें मिस नहीं करना है, ये भाग्य बनाने का समय है। इसलिए कल सुबह 4 बजे ज़रूर आना है और आपके जितने भी फोटोग्राफ्स हैं ये सब आपके ग्रुप में आपके साथ शेयर किए जाएंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो आज के लिए मेन इम्पोर्टेंस यही रहेगी, जो मॉर्निंग मेडिटेशन है ना उसमें ज़रूर आप सब भाग लें और वही साथ जाएगा एक्सपीरियंस। तो हम कहेंगे कि कल का एक्सपीरियंस ज़रूर आप करें, और कल ही क्यों, जब तक यहाँ है 3 या 4 दिन तो रोज़ रोज़ ये करें, क्योंकि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इससे अच्छा आपका घर होगा लेकिन ऐसा वातावरण नहीं होगा, ऐसी एटमॉस्फेयर नहीं होगी। तो इस एटमॉस्फेयर में हम प्रभु चिंतन करें और उनसे प्राप्ति करें, और यहाँ प्राप्ति करेंगे तो आदत बन जाएगी तो घर में भी शुरू करेंगे। तो इसलिए हम आशा करेंगे कि आप सभी आए, कोई मिस ना करें। थैंक यू। ओम शांति।